Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 3rd October 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Maldives election result. This topic is important from our syllabus GS paper 2, International Relations Point of View. तो पहले थोड़ी मालदीव की ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं इंडिया के साथ उसके रिलेशन देखते हैं और फिर करेंट न्यूज पे आएंगे तो देखिए इंडिया की तरह ही मालदीव वॉज ऑल्सो ब्रिटिश कॉलोनी मालदीव का अगर आप लोकेशन देखें तो इट इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन इंडियन ओशन यहाँ पे है कहीं पे सदर्न साइड ऑफ इंडिया के है ये इंडियन ओशन में ये लोकेटेड है और इंडिया की तरह ही ये कॉलोनी था ब्रिटेन का और 1965 में इसको आजादी मिली स्टार्टिंग से ही इंडिया ने मॉलिव के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए फॉर एग्जांपल उसके प्रेसिडेंट जब अब्दुल गायूम थे 1978 में उस टाइम में भी आ, इंडिया में गुड टाइज विथ मॉलिव डिस्पाइट दब्दुल गायूम टर्न इनटू एन ऑटोक्रेटिक वन फोर्सफुली पावर रिटेन किया उन्होंने अपने पास तीस साल से भी ज्यादा नाइनटीन से लेकर के टू तक

क्योंकि डेमोक्रेसी भी आ गई मॉल के अंदर और स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है मॉलडीव तो इस कारण से इंडिया तो पहले से भी अच्छे रिलेशन मेंटेन कर ही रहा था सो ड्यूरिंग मोहम्मद नासीद टाइम इंडिया में रियली स्ट्रॉन्ग टाइज विद मॉलिवस बट फिर क्या हुआ दो हजार बारह में मोहम्मद नासीद वॉज फोर्स टू रिजाइन उनके ऊपर कई सारे करप्शन के एलिगेशन लगे एंड ही फोर्स टू रिजाइन फिर नए प्रेसिडेंट आए अब्दुल यमीन अब्दुल यामीन वॉज हाफ ब्रदर आप कह सकते हैं ऑफ़ अब्दुल यामीन का जो रजीम था 2012 के बाद से उसमें आप देखेंगे कि मालदीव जो है पूरी तरह से इंडिया से दूर जाने लगा ये है अब्दुल यामीन इनकी पार्टी पी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव और 2012 में ये मोहम्मद नासिर को इंटरिम तरीके से रिप्लेस किया गया

जीएमआर को प्रोजेक्ट मिला था इन ऑर्डर टू डेवलप मॉले एयरपोर्ट विच इज कैपिटल ऑफ मालदीव तो वहां का मॉले एयरपोर्ट को डेवलप कर रहा था जीएमआर और जैसे ही अब्दुल यामीन पावर में अर्लिएस्ट थिंगजन टू कैंसल जीएमआर प्रोजेक्टेक्ट वॉज गिवेन टू समाइनी so this was a clear cut indication ki abdul yamin wants टू divert away from pro india approach and wanted to take सब प्रो चाइना अप्रोच लेटर ऑन अब्दुल यामीन ऑल्सो डिसाइडेड की विल बी पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड चाइनाटिव तो माले पोर्ट इज बिंग एंड रोड एंडशियटिव तो इसी कारण से धीरे धीरे मॉलिव 2013 से लेकर के 2018 तक के इस अब्दुल यामीन के टाइम में पूरी तरह से प्रो चाइना हो गया इनफैक्ट 2018 में मॉलिव आस्ट इंडिया टू तो टेक बैक इट्स गिफ्टेड हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम इट्स वन ऑफ द आइलैंड अडू अटोल तो इंडिया ने कुछ डॉनियन एयरक्राफ्ट ऐसे कुछ गिफ्ट किए थे मालदीव को फॉर सर्विलेंस पर्पस उसको वापस कर दिया मालदीव ने ऑल ऑल सच सच इंडिकेट्स इंडिकेट कि मालदीव ड्यूरिंग अब्दुल यमीन टाइम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग टाइज विद इंडिया इंडिया ने भी रेसिप्रोकेट किया इसी जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार इलेक्ट होकर किया टू थाउजेंड में तो उसके बाद से उन्होंने स्टार्ट की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी उसमें अपने तमाम नेबर कंट्रीज के साथ हमने अच्छे रिलेशन की कोशिश की बट मॉलिव टू सम एक्सटेंट वॉज साइड लाइन बिकॉज ने फिर हालात इंटरेस्ट लेकिन फिर हालात बदले 2018 देखिए 2013 में इलेक्शन हुआ अब्दुल यामी पावर में है। फिर 2018 में इलेक्शन हुए और वहां पे नए प्रेसिडेंट आए ईबू इज फ्रॉम मोलडीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी ठीक उसी पार्टी से जिससे मोहम्मद नसीद थे तो मोहम्मद नासिद की पार्टी एम हमेशा से ही प्रो इंडिया अप्रोच के लिए जानी जाती रही है और जैसे ही ईबू सोले प्रेसिडेंट बने वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन ही टू स्टार्ट पॉलिसी जिसका नाम था इंडिया फर्स्ट पॉलिसी और जितने भी अप्रोच लिए थे अब्दुल यामीन ने प्रो चाइना के फॉर्म में उसको उन्होंने रिवर्स किया एंड ही स्टार्टेड टू तो टेक प्रो इंडिया पॉलिसीज तो 2018 से लेकर के 2023 तक इंडिया के रिलेशंस मालदीव के साथ अच्छे थे और काफी स्ट्रांग हो रहे थे स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेसिडेंटशिप ऑफ ईबू सोलह अब 2023 में पांच साल बाद जाकर के फिर इलेक्शन हुए हैं मालदीव के अंदर और इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि ईबू सोले हैज लॉस्ट द इलेक्शन दो इट वाज़ क्लोजली फॉट बट ईबू सोले फ्रॉम एमडीपी हैज लॉस्ट द इलेक्शन एंड कैंडिडेट फ्रॉम पीपीएम जिससे अब्दुल यमीन हुआ करते थे प्रो चाइना पोलिटिकल पार्टी उसके कैंडिडेट प्रेसिडेंट ऑफ मॉल सो नाउ इन कमिंग डेज यू कैन एक्सपेक्ट मॉल इंडिया तो इंडिया और चाइना के बीच में तो इंडियन ओशन में कम से कम जीरो सम गेम चल रहा है एनी एडवांटेज फॉर चाइना इज डायरेक्ट लॉस फॉर इंडिया एंड वाइसे वर्सा तो नाउ एडवांटेज फॉर चाइना इन मॉल्डी डायरेक्ट लॉस फॉर इंडिया तो अभी देखना होगा आगे कैसी पॉलिसीज अपनाते हैं बट लेटेस्ट ब्रीफली ऑल्सो सी द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉल फॉर इंडिया लुक इन इंटरनेशनल रिलेशन इट इज सेड दैट इट डज नॉट मैटर हु यू आर मोर इम्पॉर्टेंट इज वेयर यू आर तो लोकेशन ऑफ ए कंट्री मेक्स इट इम्पॉर्टेंट डिस्प्रोपोर्शनेटली एज कंपेयर टू इट्स इकोनॉमी और टेरिटोरियल साइज तो यही केस है मॉल के लिए भी एज फार एज इंडिया के साथ इसके रिलेशन इज कंसर्न इट्स लोकेशन इन इंडियन ओसन मेक्स इट स्ट्रेटिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया इंडिया का बहुत सारा ट्रेड इस एरिया से फ्लो होता है इट इज हार्डली अबाउट से इंडिया के लिए हमेशा एक थ्रेट है कि इफ मॉलडीव बिकम कंप्लीटली प्रो चाइना देन चाइनीज नेवल शिप्स माइट डॉक मॉलिवियन पोर्ट विच इज वेरी क्लोज टू इंडिया गिविंग कम्प्लीट एग्जिस्टेंसियल थ्रेट जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इंटरनेशनल रिलेशंस में कहा जाता है परमानेंट थ्रेट आपके पड़ोसी बिल्कुल हर वक्त छत पे बंदूक लेके खड़े रहे तो इसको कहा जाएगा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पता नहीं कब गोली चला दे तो दिस काइंड ऑफ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट विल बी देयर फॉर इंडिया इफ अगेन मालदीव्स सोस प्रो चाइना अप्रोच एनीवे मालदीव्स पार्ट ऑफ चाइनास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सो स्ट्रेटजिक लोकेशन सेकेंड चाइना एंगल तो ऑफ कोर्स इज देयर पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसको दुनिया के कई सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने नाम दिया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इन इंडियन ओशन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स से हमारा मतलब है कि कई सारे पोर्ट्स इंडियन ओशन में चाइना ने ऐसे बनाए हैं विच इज पार्ट ऑफ इट्स लार्जर इनिशिएटिव ऑफ बेल्ट एंड रोड जिसके अंतर्गत इट इज बिलीव्ड कि चाइना इज ट्राइंग टू इन सर्कल इंडिया इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है इंडियन ओशन में फॉर एग्जाम्पल म्यांमार के अंदर इट हेज बिन बिल्डिंग क्या पोर्ट बांग्लादेश में चिटगोंग श्रीलंका में हमवंतोत् मालदीव में मौले पोर्ट पाकिस्तान में गोदारपोर्ट सोर्ट सीरीज ऑफ पोर्ट अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ इंडिया इज गिविंग अ परमानेंट और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर इंडिया विच हेज बिन एज स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स इज ए नोशनल थीरी इट इज नॉट एन ऑफिशियल वन बट स्ट्राटेजिस्ट बिलीव दैट ये जो चाइना की बेल्ट एंड रोड पॉलिसी है उसको अगर स्ट्रेटेजिक तरीके से देखा जाए तो इट इज बेसिकली एन अटेम्प्टल इंडिया एंड इंडियन ओसन जिसको नाम दिया उन्होंने स्ट्रीम ऑफ पॉल्स जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट तो है ही है वाई जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट बिकॉज इंडियन ओशन में इंडिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है वो है टू मेक इंडियन नेवी द ब्लू वॉटर नेवी इन इंडियन ओसन मतलब द फर्स्ट वू रिस्पॉन्ड इन केस ऑफ एनी कैटेस्ट्रॉफी नेचुरल कैटेस्ट्रॉफी और मैनमेड कैटेस्ट्रॉफी इसको कहा जाता है ब्लू वाटर नेवी इंडियन नेवीपायन पॉलिसी का आप हिस्सा मान सकते हैं इंडिया वॉन्ट्स इंडियन ओशन टू रिमेन इट्स बैक यार्ड एंड इंडिया डज नॉट वॉन्ट एनी मेजर पावर मे इड बी चाइना यूएस और ब्रिटेन टू हैव एनी एक्सेसिव डोमेंस और इंफ्लुएंस इन द रीजन तो ये जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट के परस्पेक्टिव से अगर बात की जाए तो मॉलडीव का प्रो चाइना होना इज नॉट ए गुड न्यूज फॉर इंडिया बिकॉज इट विल अलाउ चाइना टू हैव स्ट्रांगर फुट प्रिंट इन इंडियन ओशन विच इज डायरेक्टली अगेंस्ट इंडिया इंटरेस्ट ऑफ कीपिंग इंडियन ओशन बैक यार्ड ऑफ इंडियन नेवी उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है लुक मॉलिव इज अस्लामिक कंट्री वैसे वहाँ पे बहुत ज्यादा का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब जब वहां तो और पाकिस्तान, तो anyway तो पाकिस्तान की मदद से मॉलडीव के अंदर रेडिकलाइजेशन रेडिकल या ऑर्थोडॉक्स इस्लामिज्म को प्रमोट करता है विच डायरेक्टली लीड्स टू सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया क्योंकि रेडिकल लीड टू possibility of terror attack on Indian soil. So that is another concern with return of pro-China government in Maldives. Maldives के अंदर India और China bridge politics में engage होते रहे हैं काफी time से. Bridge politics क्या है वो भी जरा समझते हैं. तो देखिए Maldives को अगर आप देखें तो it is a group of islands. Maldives की सबसे बड़ी समस्या क्या है? उसके जो main cities हैं जैसे कि मॉले वगैरह वो अब ओवर पॉपुलेटेड हो रहे हैं बट बाकी सारे जो इसके आइलैंड्स हैं, जहां पे छोटे छोटे सिटीज हैं वो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है मॉले से तो चाइना स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट जिसका नाम है फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट चाइना मॉलडीव फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट उसमें उसने दो किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाया कनेक्टिंग मॉलडीवियन कैपिटल मॉले विथ इट्स आईलैंड हुए इसको कनेक्ट किया उसने तो इंडिया ने फिर बाकी कई सारे इस तरह के ब्रिज बनाने शुरू किए

मैपिंग से एक क्वेश्चन दिया है सीधा सीधा तो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है बट इंडियन ओशन की मैपिंग से एक क्वेश्चन दिया है मैंने आपको प्रैक्टिस के तौर पे यूपीएससी 2014 में ये प्रश्न आया था इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं बाय सीइंग योर मैप्स एक क्वेश्चन है मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन टेन मार्कर का क्वेश्चन सीधा सीधा इसका मतलब यही है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉलिव फॉर इंडिया तो ब्रीफली उसका लोकेशन बता दीजिए इंपॉर्टेंस बताइए और फिर करंट कंसर्स लिख करके थोड़ा सा आप कंक्लूड कर सकते हैं नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नोबेल प्राइज इन मेडिसिन इसे वो कहते हैं नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी दोनों एक ही बात है दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मर सिलेबस जीएस पेपर थ्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू तो हंगेरियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट कैटेलिन कैरिको एंड अमेरिकन साइंटिस्ट ड्रिजमैन बोथ ऑफ देम हैव बीन कलेक्टिवली हैडेड फिजियोलॉजी इनको नोबल प्राइज मिला है इन मेडिसिन फॉर दे आर कॉन्ट्रीब्यूशन इन क्रिएशन ऑफ मेसेंजर मॉडिफाइड आर एन ए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड नाइनटीन तो कोविड नाइन्टीन के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाए गए एम आर एन ए वैक्सीन उनको डेवलप करने में इन दोनों का काफी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है मेडिसिन के अंदर तो क्या होते हैं एम आर एन ए वैक्सीन वो जरा समझते हैं क्योंकि अब इस साल के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्लिम्स या मेंस में क्योंकि इस नोबेल प्राइज मिला है तो थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो लेटेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि कोरोना वायरस हमारे बॉडी को इनफेक्ट करता कैसे और उससे पहले भी हमें समझना होगा कि ये एम आर एन ए मैसेजर आर एन ए होता क्या है देखिए हम सबकी बॉडी जो है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जेनेटिक कॉम्पोनेंट है उसको कहा जाता है हमारा डीएनए डीएनए में हमारे बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डीएनए कुछ इस तरीके का डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स के फॉर्म में होता है डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स तो इसमें हमारे बॉडी से रिलेटेड हर एक इंडिविजुअल के जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं डीएनए ब्रेक्स इनटू सिंगल स्ट्रैंड सिंगल हेलिकल स्ट्रैंड समथिंग लाइक दैट जिसको हम लोग कहते हैं आरएनए और आर एन ए जो है फिर वो धीरे धीरे अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करके फिर आर एन ए लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। दीज प्रोटीन्स हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन तो हर एक पेरेंट्स जैसे कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू फीटस तो वेन स्पर्म एंड दे मर्ज मदर और फादर साइड से ये प्रोटीन जो है मर्ज होकर के क्रिएट करता है न्यू फीटस तो उसमें दोनों ही पेरेंट्स से ये प्रोटीन आता है दैट प्रिंग्स इंफॉर्मेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देर फ्रॉम पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन दैट लीड्स टू जेनेटिक इन मेकअप ऑफ द चिल्ड्रेन तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये आर जो है दिस इज बेसिकली डूइंग द जॉब ऑफ अ मेसेंजर इट इज कैरिंग मैसेज ऑफ जेनेटिक कंपोजिशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन इसीलिए इसको कहा जाता है मैसेंजर आरएनए सो थ्रू आरएनए बॉडी सेल कम्युनिकेट्स इट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन देखिए होता क्या है कि आ, अभी समझिए कि कोविड जो है कोरोना वायरस हमारे बॉडी को कैसे इंपैक्ट करता है तो इस तरह का मान लीजिए कोरोना वायरस है कोरोना वायरस में अंदर आर हुआ करता था उसका खुद का और उसके बॉडी पे बॉडी प्रोटीन के ऊपर इस तरह के स्पाइक्स लगे हुए थे स्पाइक्स जिसको स्पाइक प्रोटीन ऑफ कोरोना वायरस कहा जाता है कोरोना तो पो वायरस नॉर्मली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से होते हुए हमारे बॉडी में एंटर कर जाता था और हमारे लंग्स के थ्रू लंग्स पे हमारे लंग्स वॉल पे इस तरह के रिसेप्टर्स लगे रहते हैं जिसपे जाकर के कोरोना वायरस का ये स्पाइक चिपक जाता है और फिर ये स्पाइक इस रिसेप्टर पर चिपकने के बाद फिर आपको मल्टीप्लाई करता है यू सी आर एन ए अपने आपको मल्टीप्लाई करता, करता है एक आर से तो पूरा पूरा प्रोटीन नहीं बनेगा ना तो आर जो बनता है आर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है विथ हेल्प ऑफ दिस राइबोजोम अब देखिए डीएनए है डीएनए से फिर मैसेंजर आरएनए बना सिंगल स्ट्रैंड का ये मैसेंजर आरएनए आता है राइबोजोम के पास राइबोजोम पे फिर ये आरएनए का मल्टीप्लिकेशन होता है एक आरएनए आया और उसको मल्टीप्लाई करके इसके बहुत सारे ट्रांसपोर्ट टी आर बनाए गए और फिर इनकी मदद से बनता है ये प्रोटीन जो फिर पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक सप्लाई होता है ट्रांसपोर्ट होता है तो मुद्दा यह है कि ये जो राइबोजोम है ये हमारे बॉडी का आप कह सकते हैं जेरोक्स मशीन है जो को मल्टीप्लाई करता है इन इट्स नंबर्स राइबोजोम इज अ काइंड ऑफ जेरोक्स मशीन डीएनए टूटता है एम आर एन ए में एम आर एन ए को मल्टीप्लाई करता है ये राइबोजोम एंड दिस राइबोजोम विच इज पार्ट ऑफ सेल हर बॉडी तो सेल से बनी है हमारी बॉडी सेल के अंदर राइबोसोम होता है और राइबोसोम जो है वो आरएनए को मल्टीप्लाई करता है आरएनए को मल्टीप्लाई करने के कारण बहुत सारे आरएनए बन जाते हैं विच कलेक्टिवली लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन अभी कोरोना वायरस हमारे शरीर में एंटर करने के बाद करता क्या है कि ये आर को हटा करके ये कोरोना वायरस खुद लग जाता है यहाँ पे अब ये ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दिस कोरोना वायरस रिमूव आर एंड In place of this RNA, coronavirus puts itself. और ये बेचारा इसको समझ नहीं आता है कि ये अपने के mRNA को मल्टीप्लाई ना करके कोरोना वायरस को मल्टीप्लाई कर रहा है और ये राइबोजोम जो है फिर ये कोरोना वायरस को मल्टीप्लाई कर करके हमारे बॉडी के अंदर इसको क्या ही पता राइबोजोम को कि अपना खुद का एम आर एन ए हट चुका है और कोविड उसके जगह पे आ चुका है और फिर ये कोविड को राइबोजोम मल्टीप्लाई करता है हमारे बॉडी के अंदर और हमारी बॉडी सेल के अंदर जब बहुत सारे कोरोना वायरस हो जाते हैं दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड बिकॉज द राइबोजो हैज द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस मेनी तो जब हमारे सेल के अंदर बहुत सारे कोरोना वायरस हो जाते हैं देन दे स्टार्ट किलिंग द सेल्स एंड वेन दे स्टार्ट किलिंग द सेल्स देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोर एंड मोर सेल्स आर डेड दैट लीड्स टू डेथ ऑफ अ ह्यूमन सो दिस इज हाउ कोरोना वायरस लीड्स टू डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल लेकिन कुछ लोग खुद से रिकवर हो जाते थे कोरोना वायरस के टाइम में वो कैसे रिकवर हो रहे थे तो देखिए मान लीजिए कि इस इंसान के अंदर कोविड नाम का वायरस एंटर करता है कोविड वायरस के एंटर होते ही हमारे बॉडी के अंदर एक नेचुरल रिस्पांस मैकेनिज्म होता है जिसको हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी इम्यूनिटी से होता क्या है कि हमारी बॉडी क्रिएट करती है मतलब समझिए लेट अस जैसे हमारी बॉडी के अंदर यह घुसता है हमारी बॉडी आइडेंटिफाई कर लेती है कि कोई फॉरेन मटेरियल हमारे शरीर में घुसा है और इससे हमारी बॉडी को खतरा हो सकता है उस खतरे से बचने के लिए हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है इस तरीके के आ, मॉलिक्यूल्स जिसको हम लोग कहेंगे एंटीबॉडीज और ये जो एंटीबॉडीज हैं दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सच फॉरेन मटेरियल्स जिस कारण से हम कह सकते हैं कि दीज एंटीबॉडीज प्रोवाइड अस इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पाइक्स ऑफ कोविड नाइनटीन एग्जैक्टली एंटीबॉडीज काम कैसे करते हैं वो जरा समझिए एंटीबॉडीज का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है

कनेक्ट हो चुका है ये एंटीबॉडी तो ये है पूरा पूरा मैकेनिज्म कोरोना वायरस के अगेंस्ट काम करने वाले हमारे शारीरिक एंटीबॉडी का तो ये तो नेचुरल तरीका हो गया हमारे बॉडी के डिफेंस का अब वैक्सीन कैसे काम करते हैं तो बहुत बार क्या किया जाता है कि वैक्सीन्स में इसी तरीके के कोरोना वायरस डाल दिए जाते हैं बट थोड़ा उसको वीक करके तो वीक कोरोना वायरस हमारे बॉडी में डाल दिया जाता है मॉडिफाइड आरएनए एन एस इसको कहा जा रहा है और उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल तरीके से उस वीक कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप होता है और जब एक बार एंटीबॉडी डेवलप हो गया तो फ्यूचर में अगर कोई रियल इन्फेक्शन भी होता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट अपने आप को डिफेंड कर सकती है तो आई होप जस्ट कि ये बात आपको क्लियर हो रही है कि नेचुरल तरीके से कोरोना वायरस कैसे अटैक करता है जी आई होप आप समझ गए हैं कि ये राइबोजोम को बेवकूफ बना करके हमारे आर को रिप्लेस करके कोविड वहां घुस जाता है और सेल के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और सेल को किल करता है अभी हमारी बॉडी के पास मैकेनिज्म होता है अपने आप को डिफेंड करने का सच जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेन फॉरन मटीरियल इंटरसिंटोआर बॉडी आवर बॉडी क्रिएट्स एंटीबॉडी एंड प्रोटेक्ट आर्स ये जो एंटीबॉडी है दैट मेक्स द कोविड वायरस ब्लैंड बाई अटैचिंग इट सेल्फ ऑन द स्पाइक्स ऑफ द कोविड वायरस वैक्सीन यही काम करता है वैक्सीन जो है हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने की जो प्रोसेस है उसको फास्ट कर देता है इसके पहले कि हम लोग रियल स्ट्रोंग कोविड से इन्फेक्टेड हो वैक्सीन जो हमारे अंदर मॉडिफाइड वीकर कोविड वायरस इन डाल देता है और उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है जिससे फ्यूचर में हम प्रोटेक्ट हो पाते हैं अगेंस्ट द रियल वायरस तो जैसे कोविशील्ड वैक्सीन था डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसमें क्या किया गया कि चिंपैंडी के शरीर से एक वायरस लिया गया जिसका एडेनो वायरस कहते हैं ये वायरस 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 वेरी मच सिमिलर टू कोरोना वाईर। को लिया गया इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया बहुत हद तक सिमिलर है कोरोना वायरस से इसका स्पाइक्स तो बिल्कुल कोरोना वायरस से मिलता जुलता है और ये एडोनो वायरस को लेकर के थोड़ा मॉडिफाई करके हमारे शरीर में डाला गया तो थ्रू दिस वैक्सीन कोविशील्ड तो इस एडेनो वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस करना शुरू किया एंटीबॉडी और जब एक बार ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गया तो फ्यूचर में अगर कोई रियल कोरोना वायरस भी अटैक होता है तो भी हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडीज हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर लेंगे दैट वाज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कोविशील्ड वैक्सीन तो ये हो गया एम आर एन ए वैक्सीन मेसेंजर आर वैक्सीन जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जो नए तरह के मैसेंजर आर डाले जा रहे हैं जो कोविड से मिलते जुलते हैं कोविड अपने आप को मल्टीप्लाई करता था तो कोविड वॉज बेसिकली वॉट मैसेंजर आर एन ए टाइप थिंग ओनली आई जस्ट वॉन्ट यूल टू अंडरस्टैंड की एम आर एन ए इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म दिस ईयर तो कोविड क्या है हमारे बॉडी के एम आर एन ए को रिप्लेस करके अपना एम आर एन ए लगा देता था मैसेंजर आर एन ए और वो फिर मल्टीप्लाई हो जाता था हमने ऐसा ही कुछ वायरस डाला हमारे शरीर के अंदर थ्रू द वैक्सीन लेकिन वो लिमिटेड अमाउंट में थोड़ा डाला थोड़ा मॉडिफाइड एम डाला मॉडिफाइड मैसेजर आर जिससे हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गया और हमारी बॉडी फ्यूचर में ओरिजिनल अटैक से बच पाएगी सो दिस इज हाउ द वैक्सीन वर्क वैक्सीनेशन में वीकेंड और इनएक्टिवेटेड वायरस डाला जाता है जिससे इम्यून रेस्पॉन्स सिस्टम नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस हो जाए टॉपिक के बेसिस पे फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन है इस तरह के कोनो कार्पस ट्रीज को गुजरात स्टेट के अंदर पूरी तरह से बैन कर दिया है उनको फॉरेस्ट या नॉन फॉरेस्ट एरिया में ग्रो करने नहीं दिया जाएगा ये जो कोनो कार्पस ट्रीज है दे डू नॉट Originally belong to Gujarat. They are non-indigenous species. They are exotic mangrove species. Mangrove species हैं तो salt tolerant तो होंगे ही. Exotic mangrove species हैं. They are evergreen type. They have dark green shiny leaves. And इतना fast तरीके से grow करते हैं और इनका leaf जो है coarse होता है. मतलब आ, काफी rough होता है. जिस कारण से इनको खाना पसंद नहीं करते animals. चाहे वो domesticated animal हो या wildlife animal. It is found in and जल्दी जल्दी ग्रो करने के कारण इनकी ग्रीन कैनोपी होती है देखिये कितना ग्रीनरी दिख रहा है रोड साइड और इनके रूट्स काफी फास्ट तरीके से डीप जाते हैं इस कारण से ये सॉइल को स्ट्रांगली होल्ड करने में मदद करते हैं तो कोस्टल एरिया में आ, ब्रेक वाटर्स के कारण कोस्टल एरिया को ये पूरी तरह से डिग्रेड होने से बचाते हैं तो ये सब कुछ फायदे हैं को कार्पस प्लांट्स के बट इनको बैन क्यों किया गया है क्योंकि इनके अंदर इस तरह के जो फ्लावर्स लगते हैं व्हाइट कलर के फ्लावर्स उनमें जो पॉलेंस होते हैं दीज पॉलेंस आर वेरी मच एलर्जी क्रिएटिंग पॉलेंस तो सर्दी के दिनों में इन पोलन से काफी ज्यादा एलर्जी होती है लोगों को जिस कारण से कफ कोल्ड या अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है उसके अलावा इनके जो रूट्स काफी डीपर जाते हैं वो रूट्स फिर ड्रेनेज सिस्टम को या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर से रोड वगैरह को भी तोड़ देते हैं ड्रेनेज सिस्टम को भी तोड़ देते हैं सो फॉर सच रीजन कोनो कार्पस प्लांट्स हैज बिन

उसके साथ ही साथ सेकेंड अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थ एनिवर्सरी है तो लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने आफ्टर जवाहरलाल नेहरू ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964। तो ही इज वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर टूवर्ड्स व्हाइट रिवॉल्यूशन ग्रीन रिवॉल्यूशन टू इंडिया तो इंडो पाकिस्तान वॉर उनके रिजीम के दौरान लड़ा गया उस टाइम में कई सारे और भी डिफिकल्ट uh,

आप मान सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी के दौरान उनके प्रधानमंत्री होने के रजीम के दौरान स्टार्ट किया गया अब लाल बहादुर शास्त्री जी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है इस इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में जो एथिक्स पेपर में हमारे काम आ सकता है आंसर राइटिंग में देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर थे 1956 जब एक ट्रेन एक्सीडेंट हुई इन महबूब नगर और इस ट्रेन एक्सीडेंट के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेलवे मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर दिया दैट इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अकाउंटेबिलिटी देखिए अकाउंटेबिलिटी एथिक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर सिक्स में इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन होता तो अकाउंटेबिलिटी इज अ पब्लिक सर्विस वैल्यू वेन एवर यू आर इन पब्लिक सर्विसेज वेन एवर यू आर इन अ अवर्मेंट ऑफिस वैसे तो प्राइवेट सर्विस जॉब्स में भी इंपॉर्टेंट है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पब्लिक सर्विस वैल्यूज अकाउंटेबिलिटी इज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू वार्ड योर लीगल ड्यूटी एंड देन आंसरेबिलिटी इन केस ऑफ एनी फेलियर और डेविएशन फ्रॉम फुलफिलमेंट ऑफ लीगल ड्यूटी एंड इफ द आंसर इज नॉट सेफैक्टरी देन प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी फिक्सिंग मेकेजम ऑल्सो हैज टू बी टेक तीन स्टेप होता है अकाउंटेबिलिटी का एक तो क्लियर कट डिफाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी केस ऑफ फेलियर आंसरबिलिटी की जवाबदेही किसकी होगी और फ्यूचर में ऐसे गलतियां दोबारा ना हो इसके लिए र, आ, rectification mechanism. तो अगर आंसर जो है वो सेटिस्फैक्ट्री ना हो अगर प्रॉपर तरीके से आंसर ना ढूंढा जाए तो जो हाई अपराइटनेस वाले लीडर्स होते हैं दे टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देयर रोड कि अगर कोई घटना हुई और उसके सही कारणों का पता नहीं लगाया जा सका है जैसे फ्यूचर में ऐसी घटना ना अवॉइड uh, ना की जाए पाए तो ऐसे हालात में जो अपराइट लीडर होते हैं मॉरल लीडर होते हैं वो खुद की जिम्मेदारी लेते हैं कि ठीक है अगर मैं सही कारणों का नहीं पता करा पा रहा हूं और इतनी बड़ी दुर्घटना होगी तो आई टेक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई रीजन तो दिस इज द हाइएस्ट स्टेज ऑफ फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी कि भाई किसी की तो गलती है अगर किसी की नहीं है तो फिर मेरी गलती है सो दिस इज हाउ एक्सेप्टिंग मॉरल एक्सेप्टेबिलिटी और मोरल फेलियर इन दिस पर्टिकुलर केस लाल बहादुर शास्त्री जी रिजाइन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ ग्रेट लीडर्स हैव एग्जैंप्लीफाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ और द वैल्यू ऑफ अकाउंटेबिलिटी वाइल होल्डिंग पब्लिक ऑफिस तो अकाउंटेबिलिटी अगर कभी भी प्रश्न आए तो आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं अकाउंटेबिलिटी जैसा कि मैंने आपको बताया इट इंक्लूड्स थ्री स्टेप्स रेस्पॉन्सिबिलिटी आंसरेबिलिटी एंड मैकेजम टू करेक्ट इट इसको कहा जाता है फिकसिंग अकाउंटेबिलिटी जैसे कोई क्रिकेट का मैच होता है और टीम हार जाती है तो कैप्टन को बुला करके पूछा जाता है ना कि भाई बताइए क्यों आपकी टीम हारी और अगर जवाब अच्छा नहीं होता है तो फिर टीम में बदलाव भी किए जाते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी डे ऑफ नॉन वायलेंस दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखिए दो अक्टूबर महात्मा गांधी का बर्थ एनिवर्सरी गांधी जयंती ये तो आपको पता ही है आपको ये भी जानना चाहिए कि इस दिन को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर रखा है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2007 में यूनाइटेड नेशन ने इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस डिक्लेयर किया इन ऑर्डर टू डिसेमिनेट यानी कि स्प्रेड ऑफ नॉन वायलेंस थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था वेन वॉज आर्म फोर्स स्पेशल पॉलर फर्स्ट इंट्रोड्यूस करेक्ट आंसर इस क्विट इंडिया मूवमेंट एंड रेस्पॉसिबिलिटी एंड डिजाइनिंग करेंसीज वि थीम ऑफ सेक्शन नाइन्थ वाइल्ड लाइफ वीकेज पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन दट सॉल फ्रॉम आवर साइड फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग